तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से खैनियों की खेती में, जो तंबाकू फार्म होता है वहाँ पे। पहले आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उस पर फुल वीडियो नॉलेज बनाए हैं कि कैसे इसकी बुआई की जाती है और कैसे कटाई की जाती है। अभी जो आए हैं इसमें कटिंग हो चुका है, तो देखते हैं कितने में बिका है, कैसे बिका है और ये कितने दिन तक सूखता है, इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो बने रहिएगा। तो ये कटिंग लगभग कब भइल बा एकर और कितने दिन बाद ये चल जाई? जी बयान पर चल जाई। बयान पर तुम चल जाई। कटिंग एकर कहिए बलका, कटाई कहिए बलका, कटिंग ये मेरा कटाई ला आज कटाई लका। अच्छा, तो कितना दिन तक सूखी लगभग? बयान पर चल है। बयान परसों तक परसों उड़ जाई अगर सूखता पीर। अच्छा अच्छा, आज ये गाड़ी के जुड़ावल लग जाई। अच्छा अच्छा, परसों माने गारंटी परसों परसों उड़ जाएगा। फिर ये उठकर जाएगा कहाँ पे? खरिहान में जब व्यापारी जहाँ। अच्छा, जहाँ पे व्यापारी रखता है तो वहाँ पे इसको क्या मतलब कैसे सुखाया जाता है? पहले ले जलो सेल साल के अच्छी कर लो, छली मार लो। अच्छा अच्छा, छली मार के फिर कर लो तो पसारी लो। पसारते हैं इसको, सुखाते हैं मतलब वहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग होता है वहीं पे होता है। सुखाई लो। अच्छा अच्छा, तब चक में दिलो। अच्छा अच्छा, छली में दिलो। अच्छा अच्छा, छली में से फिर उघारी लो। तो छली में से उघारी लो तब फिर अपन कर लो पसारी लो। तो बात कीजिए लगभग क्या रेट में सेल हुआ है, कुछ बिका है, कितने रेट में लगभग? 4 कट्ठा के 7,000 में बिकल हुआ। 4 कट्ठा का 7,000 में बिके। हाँ। चलिए, इसके बाद से इसमें कुछ रोप सकते हैं आप? हाँ, ये बात ये जो है गेहूं है। हाँ। थोड़ा सा एक दो है। हाँ। उसके बाद से कोई नहीं रोपा, साल में एक ही फसल निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं पौधा है, खैनी की पौधा है और ये बड़ा हो चुका है। तो इसको किस लिए छोड़ा गया है? बीज के लिए। बीज के लिए। हाँ। अच्छा, एक पौधे से और एक वहाँ पे पौधा है। हाँ। तो पूरे खेत के लिए दो ही पौधा छोड़ा गया है? नहीं, इससे करीब करीब 5 एकड़ रोप सकते हैं एक पौधे से। एक पौधे इतना बीज निकलता? हाँ, है इतना बीज। एक बीज से आप 5 एकड़ रोप सकते हैं? हाँ, 5 एकड़ रोप सकते हैं। तो मतलब पूरे खेत के लिए एक ही पौधा छोड़ दे तो काफी होता है रोपने के लिए? एक मतलब ये 5 कट्ठा है ना। हाँ, हाँ। 5 कट्ठा में एक पौधा अगर छोड़ दिया जाए तो 5 एकड़ रोपा जा सकता है। अच्छा, 5 एकड़ तक रोपा जा सकता। हाँ। है इतना बीज इसमें निकलता है? इतना बीज। क्या बात, देख सकते हैं इसमें ही बीज होता है और ये इतना ज्यादा इसमें होता है बीज, छोटा छोटा बहुत ज्यादा ही होता है कि बोने की एक पौधे से 5 एकड़ तक की खेती की जाती है। तो बीज का कोई झंझट नहीं होता है, वो आराम से मिल जाता है। आप पूरे खेत में एक बीज छोड़ दें तो उससे निकल जाता है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये भी खैनी है, अभी पका नहीं है इसलिए इसको अभी काटा नहीं गया है। और बाकी इसके साथ के जितने भी खैनी हैं लगभग सब कट चुका है। एक किधर भी है जो अभी कच्चा है, ये कच्चा होने के कारण ये भाली 10 से 15 दिनों के अंदर ही कट जाएगा और बाकी सब खेत खाली हो चुका है। अब देख सकते हैं इसमें का भी कट के चला गया है और ये काफ़ी महंगा बिका है, ये 4,000 रुपये कट्ठा बिका है बता रहे हैं। और सामने जो देख रहे हैं ये भी बिका है, अच्छा खासा बिक गया है, मेरे ख्याल से 3,000 साढ़े 3,000 ऐसे ही कट्ठा के हिसाब से बिका है। और वो वाला जो खेत है वो 7,000 में 4 कट्ठा बिका है, थोड़ा सा खैनी कमजोर था इसके लिए उसका कम रेट मिला, उससे थोड़ा बढ़िया ये है। और उससे भी बढ़िया इसमें जो था वो अच्छा ग्रोथ था, जिसमें पहले भी इसका वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बोलना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।